गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स कैन यू हियर माय वॉइस? यस मैम, यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा था, संज्ञा के भेद पढ़ा था। संज्ञा के भेद कितने होते हैं बताइए बेटा? संज्ञा कितने? संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तीन। कौन कौन से भेद होते हैं? कौन कौन से बेटा? गुड। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक मीन्स प्रॉपर नाउन, जातिवाचक मीन्स कॉमन, और भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप लोग बता सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, किसी विशेष का नाम, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, जिस शब्द से किसी विशेष स्थान, वस्तु, व्यक्ति आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। व्यक्तिवाचक, गुड। और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के संपूर्ण जाति का, पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जरा मैं उससे पूछ लूं, एग्जांपल पूछ लूं आपको, ये थोड़ा सा चेकअप कर लूं कि आप लोग कितना पढ़े हो। चलो बता दो। अच्छा ठीक है, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ और वन बाय वन पूछ लेती हूँ, ठीक है? एक साथ पूछती हूँ। चलिए ये बताइए, ये बताइए रामायण क्या है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है रामायण? रामायण व्यक्तिवाचक वाचक के अंतर्गत आएगा या जातिवाचक के अंतर्गत आएगा? रामायण एक बुक की, बुक का नाम है ना? यस मैम। तो नाम है, नाम का क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा या जातिवाचक हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर मैं वही बोलूं किताब, किताब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा या जातिवाचक हो जाएगा? आप बताइए कमल, कमल व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? कमल व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक नाम है ना, किसी फ्लावर का नाम है नहीं? अगर वही मैं बोलूं फूल, तो फूल क्या है? जातिवाचक, जाति, पूरी जाति का बोध हो रहा है फूल पूरी, क्योंकि फूल तो कई प्रकार के होते हैं, कमल, गुलाब, लिली होता है ना, तो ये फूल क्या है? जातिवाचक है। लेकिन अगर मैं कमल की बात करूं, किसी का फूल विशेष की मैं बात कर रही हूँ, फूल विशेष कमल है, फूल का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। क्लियर? आप देखिए, आप जैसे में है, ये बताइए विद्यालय, विद्यालय क्या है? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? वेरी गुड। वही अगर मैं देवस्थली विद्यापीठ की बात करूं, तो देवस्थली विद्यापीठ क्या होगा? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? व्यक्तिवाचक। वेरी गुड, समझ में आया है, बहुत अच्छा बेटा। ये बताइए, एक बस लास्ट बता दीजिए, उसके बाद से हम कंटिन्यू करते हैं। मैं व्यक्तिवाचक। कौवा, बताइए कौवा क्या है? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है?
कावेरी नदी, कावेरी नदी का नाम सुने हो ना आप लोग? क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। अगर मैं नदी बोलूं तो नदी क्या हो जाएगा? चलिए समझ में आ गया। बस मैं फीडबैक ले रही थी कि कल का आप लोग समझ में आए कि नहीं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। संज्ञा का थर्ड पॉइंट है भाववाचक संज्ञा। मैं आप लोगों को हेल्प कर रही हूँ, ठीक है? यस मैम। क्या सर? नहीं सर, कॉपी आपकी कॉपी की चाहिए? नहीं, यहाँ तो कोई कॉपी नहीं छूटी है सर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। भाववाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है भाव, ठीक है? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, क्वालिटी, गुण या दोष या किसी टाइप की अवस्था या मन के भाव का पता चलता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु या प्राणी की मनोदशा, मन की दशा पता चले, अवस्था पता चले, गुण पता चले, दोष पता चले, उसको हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। क्लियर? समझ में आ रहा है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के मन की दशा या मन के भाव या गुण या दोष या अवस्था का बोध होता है, ज्ञान होता है, वो क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा। चलिए मेरे साथ एक बार रिपीट कर लीजिए। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के दोष, गुण, अवस्था का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वंस अगेन रिपीट इट, मेरे साथ रिपीट करिए। जितना ही रिपीट करेंगे उतना ही लर्न होगा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के दोष, गुण, अवस्था का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा मतलब क्या? इसको हम बस महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है? अगर समोसा सब लोग लाइक करते हो ना? छोला करते हो ना? मेरी आवाज आ रही है? तो तीखा है, मुंह में जाने के बाद महसूस होता है ना कि तीखा है। हाँ, जब आप खाते हो, फर्स्ट बाइट लेते हो, तब महसूस होता है ना कि तीखा है या नमक कम है। मीन्स क्या? उसको हम महसूस कर सकते हैं। अगर हमें चोट लगी है, अगर हम इसको पिंच करते हैं, तो हमें महसूस होगा कि हाँ, हमें दर्द कर रहा है, पेन हो रहा है। लेकिन हम इसको देख नहीं सकते हैं, बस इसको हम फील कर सकते हैं। कुछ हमें काट रहा है, कुछ हमें काट रहा है, तो हमें महसूस हो सकता है। या
हमें बहुत बड़ा दुख हो रहा है, दुख अगर किसी टाइप का कुछ ट्रेजेडी हो जाती है, कुछ घटना हो जाती है, हमें दुख होता है, तो हम उस दुख को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। कोई उसको देख नहीं सकता है, उसको महसूस किया जाता है, उसको आंतरिक रूप से उसको महसूस किया जाता है, उसे ही हम क्या, वो क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मीन्स क्या, इसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बुढ़ापा ले लीजिए, व्यक्ति पता नहीं कब बूढ़ा हो जाता है, समझ नहीं आता है, समय बढ़ता जाता है, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता है लेकिन अंदर से ये होता है कि हाँ हमें बुढ़ापा आ गया, ये फिर यह दिखता है कि अरे अब तो इनके अंदर बुढ़ापा आ गया, इन्हें इसको महसूस किया जाता है। ठीक है, सुंदरता, सुंदरता, कटुता, ये सब क्या है, इसको फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। अब ये जो है ना भाववाचक संज्ञा का निर्माण या बनना किस किस चीज से बनता है, भाववाचक संज्ञा जो है ना वो संज्ञा से बन जाता है, क्रिया से बन जाता है, सर्वनाम से बन जाता है, विशेषण से बन जाता है, इवन अव्यय से भी बन जाता है। यानी भाववाचक संज्ञा किस किस से बनता है, संज्ञा से बन जाता है, सर्वनाम से बनता है, विशेषण से बनता है, अव्यय से बनता है और साथ साथ में क्रिया से बनता है। आइए देखते हैं किस किस से बनता है। भाववाचक का बनना, हाँ 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 रिकॉर्डिंग, मेरी आवाज जा रही है, मेरी आवाज जा रही है बेटा, रेज योर हैंड, नहीं हो गया सर कर लिए, मेरी आवाज जा रही है बेटा, रेज योर हैंड, हाथ उठा लो, आवाज जा रही है, ओके सूर्यांशु आप, हाँ ठीक 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 ठीक, अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा किस किस से बन सकता है। भाववाचक संज्ञा जो है संज्ञा से बन सकता है, संज्ञा में जो है जातिवाचक से बन सकता है, संज्ञा से बन सकता है, फिर सर्वनाम से बन सकता है, फिर विशेषण से बन सकता है, क्रिया से बन सकता है और अव्यय से बन सकता है। ठीक, यानी भाववाचक संज्ञा जो है संज्ञा से बन सकता है, वो भी जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। वो भी कैसे बन सकता है, किसी भी मूल शब्द के अंत में, मूल शब्द जैसे मैं कटु है, कटु अगर कटु मूल शब्द है और उसी में अगर हम ता प्रत्यय जोड़ देते हैं, ये जो लास्ट वाला जो वर्ड होता है ना जो हम प्रत्यय जोड़ते हैं वो किसी भी मूल शब्द के अंत में जोड़ते हैं। ठीक है, तो मीन्स क्या, भाववाचक संज्ञा को बनाने के लिए हमको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यव अव्यव के लास्ट में हमको प्रत्यय जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तब वो भाववाचक बन जाता है। जैसे मैं, अब वो प्रत्यय कौन कौन से हो सकते हैं, प्रत्यय हो सकते हैं, देखिए प्रत्येक जो हो सकता है, ई प्रत्यय हो सकता है, ई प्रत्यय लगा करके हम भाववाचक बना सकते हैं, हट प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं,
त्वा लगा सकते हैं, पन लगा सकते हैं, वट लगा सकते हैं, यानी बहुत सारे प्रत्यय ऐसे हैं जिनको लगा करके मूल शब्द के साथ लगा करके हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैं अगर हम ई की बात करें, ई प्रत्यय की बात करें ई, तो जैसे मैं बुरा, बुरा जो है, बुरा बताओ क्या हो जाएगा, कौन सा नाउन हो जाएगा, कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक, बुरा ओके। देखिए बुरा, बुरा जो है इसमें अगर हम ई प्रत्यय लगाते हैं, ई अगर हम प्रत्यय लगाते हैं ये वाला, तो क्या बन जाएगा, कौन सा भाववाचक संज्ञा बन जाएगा बताइए, बुराई, क्या बन जाएगा, बुरा क्या में अगर हम ई प्रत्यय लगाते हैं तो वो बुराई हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ऊंचा, ऊंचा में अगर हम ई प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, ऊंचाई, क्लियर, यानी क्या भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय में कुछ प्रत्यय लगाना पड़ता है जो कि मूल शब्द के लास्ट में लगता है और वो फिर भाववाचक संज्ञा बन जाता है। अब देखिए ई हो गया, अब हट की बात करें, हट, हट अब कैसे लगेगा, लुक एट द बोर्ड स्टूडेंट्स, जैसे मैं हट, अब देखिए अगर हम गरम में हट लगाए तो क्या बनेगा, गर्माहट, क्या बनेगा, गर्माहट। अगर हम मुस्कुराना में हट लगाए तो क्या बनेगा, मुस्कुराहट, क्या बनेगा, मुस्कुराहट, क्लियर, समझ में आ रहा है, यानी कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिनको लगा देने से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है, भाववाचक संज्ञा बन जाता है। अब ये दोनों हो गया, अब आते हैं इस पे, तो जैसे मैं है गुरु, गुरु, ठीक, अब गुरु में अगर हम त्व जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, गुरुत्व, क्या बन जाएगा, गुरुत्व, क्लियर। फिर है अपना है, अपना है, अगर इसमें हम त्व लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा, अपनत्व, क्लियर, समझ में आ रहा है, हाँ या ना, समझ में आ रहा है, अर्णव आराध्या उल्टी क्यों दिख रही हो, सर नीचे हो गया है, आराध्या खुद सीधी, अरे सीधे करो, हाँ उल्लू की तरह से लटक गई है, अभिमन्यु लुक एट द बोर्ड बेटा, अभिमन्यु सिंह, अभिमन्यु लुक एट द बोर्ड, इसीलिए एक दिन गुस्सा हुआ था मुझे, समझ में आ रहा है, सूर्यांशु, सूर्यांशु बेटा समझ में आ रहा है, किसी को कुछ डाउट है, कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, अब देखिए त्व तो आ गया, अब आते हैं पन, पन प्रत्यय लगा करके देखते हैं क्या बनता है, जैसे मैं अपना है, अपना में अगर हम पन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा,
अपना में अगर हम पन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? अपनापन. क्या बन जाएगा? अपनापन. ठीक. अब वैसे ही अगर बच्चा है, बच्चा, बच्चा में अगर हम पन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? बचपन. क्लियर? क्लियर हो रहा है? अब आते हैं वट. वट प्रत्यय लगा करके. हाँ, पूरा तो बोर्ड दिखाई दे रहा है इतना लंबा चौड़ा. हाँ, कौन? हाँ, आकांक्षा. आकांक्षा श्रीवास्तव तो ये है सिक्स वाले. हाँ, तो पूरा बोर्ड तो दिखाई दे रहा है. कृतिका, बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटा? कृतिका, लिखावट समझ में आ रही है? कृतिका, सारा एकदम पूरा फुल तो स्क्रीन दिख रहा है. नेटवर्किंग उनके यहाँ प्रॉब्लम होगा ना. चलिए नेक्स्ट है वट. पन तो हो गया था, अब वट की बात करते हैं. जैसे अगर वट है सजाना, सजाना क्रिया है. अगर क्रिया में अगर हम वट प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? सजावट. क्या हो जाएगा? फिर बनाना है, बनाना में अगर वट प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? बनावट. क्लियर? समझ में आ रहा है? अंकित सिंह, अंकित, अंकित मेरी आवाज आ रही है बेटा? अब देखिए एक आव प्रत्यय भी लगता है. आव, जैसे मैं बहना, बहना में अगर हम आव प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? बहाव. बहाव. अंकित मेरी आवाज आ रही है बेटा? अंकित रेज योर हैंड. अंकित, अंकित सिंह रेज योर हैंड. ओके, हैंड साउंड. इतना समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा. हम एक बार, एक दो बार पूछ लेते हैं फिर उसके बाद से आगे बढ़ते हैं. मैंने एडमिट कर लिया. अब बताइए अगर शत्रु है, शत्रु, केयरफुली देखिए और बताइए. बताओ बेटा, अगर शत्रु है, शत्रु में अगर हम ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? शत्रुता. शत्रुता. वेरी गुड, वेरी गुड. अब बताइए अगर मित्र में ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? मित्रता. मित्रता. अब बताइए पढ़ाई, सॉरी पढ़ना, पढ़ना में अगर हम ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? पढ़ना में अगर हम ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होगा? पढ़ाई. 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 ओके, पढ़ाई. यस मैम. मैम. हाँ जी.
मैम इसको लिखना है? नो नो नो, बस समझना है बेटा। फिर बताइए एक चीज और बताइए। अगर मीठा है उसमें ई प्रत्यय अगर जोड़ोगे तो क्या होगा? मिठाई। क्लियर? मिठाई। लघु, लघु में अगर ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लघुता। लघुता, गुड। इतना तो समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? यस मैम। भावा का संकेत बहुत समझ में आ गया? यस मैम। उसको बनाने का तरीका आ गया? यस मैम। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा था कि कुछ विद्वानों ने संज्ञा के इनके अलावा, इन तीनों के अलावा दो भेद और बताए थे, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। कौन कौन से मैंने बताया था? समवाचक संज्ञा, अव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इन दोनों को किसके अंतर्गत रखा जाता है? वेरी गुड, जाति भाषा के अंतर्गत। हालांकि इसमें एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, इसमें तो अलग से बताया गया है, लेकिन ये दोनों चीजें ना जाति भाषा के अंतर्गत आती है। कुछ विद्वानों ने इन तीनों के अलावा को और बताया है म्यूट कर रही हूँ अब आते हैं द्रव्यवाचक। कुछ विद्वानों के अनुसार दो और हो गया है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, जैसा कि नाम से ही पता चल, द्रव्य। अच्छा, तुम लोग तो नहीं पढ़े होगे ना, पानी। जो पानी क्या है? पानी बताइए, द्रव्य है या ठोस है या गैस है? द्रव्य। इंग्लिश में पढ़ा है ना, क्या सॉलिड? हाँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड और लिक्विड और गैस पढ़े हो ना आप लोग साइंस में? हाँ, लंबा चौड़ा सिर हिल रहा है आराध्या। चलिए, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के द्रव्य पदार्थ, ठीक है, द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध होता है, जिस शब्द से किसी द्रव्य धातु या पदार्थ का बोध होता है, उसे ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ, मेरी आवाज आ रही है ना? ओके, या धातु का पता चलता है, उसे द्रव्यवाचक
संज्ञा कहते हैं। यानी जिन शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का पता चलता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यह जो है ना अनगिनत होता है, यानी अगणनीय मीन्स अनकाउंटेबल। अब जैसे में पानी है उसको काउंटिंग कर सकते हो या नापा तोला जा सकता है इसको, जैसे नाप तौल भी कह सकते हैं नाप तौल। जैसे में चीनी है, चीनी को काउंटिंग कर सकते हैं आप लोग? चीनी को काउंटिंग कर सकते हैं? नहीं ना, वेट किया जा सकता है। जैसे में आटा, आटा को आप काउंटिंग कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं उसकी? नहीं ना। यानी क्या, जिन शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का पता चलता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, और यह अगणनीय यानी अनकाउंटेबल है। अब द्रव्य पदार्थ और धातु काउंट किया जा सकता है? नहीं ना। पानी है, काउंट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। मीन्स क्या, यह अगणनीय होता है या अनकाउंटेबल होता है, इसको हम गणना नहीं कर सकते, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे में जैसे पानी, पानी द्रव्य है ना, पानी, तेल, तेल भी द्रव्य है ना। अब आते हैं पदार्थ, पदार्थ में आ जाएगा चीनी, चीनी गिना जा सकता है? चावल गिना जा सकता है? नहीं ना। धातु में सोना, चांदी, तांबा, हीरा, जो भी हो, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक है। क्या है? पानी, तेल, चीनी, चावल, सोना, चांदी, हीरा, गेहूं, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। यानी जिन शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का पता चलता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर, समझ में आया? अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेकंड मैंने क्या बताया था? समूहवाचक या समुदायवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक। समूह, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समूह मीन्स ग्रुप। जहां पे ग्रुप की बात की जाए, समूह की बात की जाए, समुदाय की बात की जाए, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। यानी जिन शब्द संज्ञा शब्द से समूह का पता चलता है, ग्रुप का पता चलता है, समुदाय का पता चलता है, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। क्लियर। जैसे में झुंड, झुंड क्या है? लोग झुंड बना के खड़े हैं, तो क्या है? लोगों का समूह है ना, है ना। या चाबी का गुच्छा है, चाबी का गुच्छा, या अंगूर का गुच्छा होता है ना, यानी कई सारे है ना गुच्छा, यानी कई सारे चाबियों का गुच्छा, यानी कई सारे चाबी रहते हैं उसको हम चाबी का गुच्छा बोलते हैं, या फिर कई सारे अंगूर का वो रहता है तो उसको हम गुच्छा बोलते हैं। यानी कई चीजों का समूह हो रहा है ना, समूह हो रहा है ना। यानी झुंड का, झुंड भी समूहवाचक हो जाएगा, गुच्छा भी समूह हो जाएगा। या फिर लकड़ी का गट्ठर, कई सारी लकड़ियां है उसको हमने गट्ठर बना दिया, गट्ठर, गट्ठर क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर। कक्षा, जैसे आप लोग कक्षा में रहते हो ना, कई सारे बच्चों का समूह होता है ना उसके अंदर, कक्षा में कई सारे बच्चे रहते हैं ना, तो कक्षा क्या हो जाएगा? समूहवाचक। यानी जिन संज्ञा शब्द से किसी समूह का ज्ञान होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आराध्या, कृतिका, आर्या त्रिपाठी,
आर्या त्रिपाठी मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। कुछ समझ में आया? यस मैम। चलिए अब मैं ये सारे हमने संज्ञा बता दिया, अब जो है मैं कुछ पूछ रही हूँ, आपको चूज करना है कि वो क्या है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, या समूहवाचक है, या फिर द्रव्यवाचक है। मैं कुछ पूछना चाहूंगी, आप लोग बताइए। जैसे मैं फिल्म, बताइए फिल्म क्या है? आर्या त्रिपाठी आप बताइए पहले। जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, क्या है? जातिवाचक। ठीक, अगर वही हम किसी फिल्म का नाम ले लें तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। गुड। अब बताइए जैसे मैं एफिल टावर, एफिल टावर बताइए क्या है? एफिल टावर क्या है? व्यक्तिवाचक। वेरी गुड, व्यक्तिवाचक। गुड गुड। अब बताइए नोटों की गड्डी, गड्डी तो आपने सुना होगा ना, नोटों की गड्डी? यस मैम। गड्डी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, गड्डी क्या हो जाएगी बेटा? बोला है गड्डी, नोटों की गड्डी, जहाँ पे समूह का पता चले, गड्डी कई सारी नोटों की गड्डी जो है समूह दर्शा रहा है ना, समूह को दर्शा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। हाँ, समूहवाचक या समुदाय वाचक। गुड। अब है झंडा, देखिए झंडा, झंडा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, बोलिए झंडा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? जातिवाचक मैम। जातिवाचक, जातिवाचक। वही अगर हम बोलिए तिरंगा झंडा, अगर हम तिरंगा की बात करें, तिरंगा झंडा की, तो क्या हो जाएगा? गुड गुड गुड। अब टाइम ओवर हो रहा है बेटा, और किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? नो मैम। कोई डाउट है किसी टाइप का, किसी प्रकार का कोई डाउट है, पूछ सकते हैं। मैम आपने जो पेट्रोल